दोस्तों नमस्कार, मैं अजय पत्रकार। आज केजरीवाल दिल्ली हाई कोर्ट चले गए, जो सीबीआई पे अरेस्टिंग हुई थी। ताजुब ये देखिए कि वो एक कोर्ट को जंप करके सीधे हाई कोर्ट। दिल्ली उच्च न्यायालय सीबीआई मामले में अरविंद केजरीवाल की जमानत याचिका पर अब 5 जुलाई को सुनवाई करेगा। केस जो है लिस्टेड का आदेश हो गया है। 5 जुलाई को शुक्रवार को दोनों पक्षों को जाना होगा। केजरीवाल और दूसरे पक्ष को भी इन्फॉर्म कर दिया गया है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कथित शराब नीति घोटाले से संबंधित सीबीआई मामले में जमानत के लिए दिल्ली उच्च न्यायालय का रुख किया। दिल्ली उच्च न्यायालय आज केजरीवाल के गुट गए, उनके एडवोकेट गए सीनियर। अब देखिए कि अरविंद केजरीवाल जी को सीबीआई ने जिस मामले पे लिया था, वो मामला काफ़ी दिन से इनका पेंडिंग था। ये सीबीआई की भलमनसाहत थी कि सीबीआई ने इनको अरेस्ट नहीं किया था। अब जब सीबीआई ने पूछताछ की थी, पूछताछ के लिए वहाँ पे गए 25 जून को बाकायदे तिहाड़ जेल में, और तिहाड़ में जाने के बाद में उनको 26 को लेकर के आए कोर्ट में। कोर्ट में पेश किया गया था। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बुधवार को आज कथित शराब नीति घोटाले से संबंधित सीबीआई मामले में जमानत के लिए दिल्ली उच्च न्यायालय का दरवाज़ा खटखटाया। उल्लेखनीय है कि केजरीवाल ने जमानत के लिए ट्रायल कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाए बिना सीधे उच्च न्यायालय का दरवाज़ा खटखटाया। ताजुब ये देखिए कि दिल्ली केजरीवाल जी कितना कोर्ट का वक्त जाया कर रहे हैं, कितने सुविधाभोगी हैं, और कितना इनके लिए कोर्ट में मुकदमे लड़ने के लिए कितने एडवोकेट्स हैं, कितने इनके मुकदमे। और ये ट्रायल कोर्ट नहीं गए, डायरेक्ट जंप करके कहाँ चले गए, हाई कोर्ट। मतलब ताजुब है देखिए कि एक आम आदमी को, बड़े बड़े लोगों को इतनी सुविधा नहीं कि वो तुरंत सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाए। इनके लिए ये शाम को भी सुप्रीम कोर्ट खुलवाने की हिम्मत रखते हैं और प्रयास करते हैं शाम को सुप्रीम कोर्ट, और फिर सुबह भी ये क्या कहते हैं, हमारा ट्रायल में सबसे पहले सुना जाए। अब देखिए यही इनका जो मामला था लोअर कोर्ट में था, ट्रायल से ना जा कर के सीधे, जबकि नियम के हिसाब से इनको पहले ट्रायल कोर्ट जाना चाहिए। यह मामला आज अधिवक्ता रजत भरद्वाज द्वारा कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश मनमोहन जी के अध्यक्षता वाली खंडपीठ के समक्ष प्रस्तुत किया गया। ऑनरेबल जस्टिस मनमोहन जी के टेबल पे ये आज पेश किया गया, और इनके जो सीनियर एडवोकेट थे अधिवक्ता रजत भरद्वाज व उनके कई साथी एडवोकेट आज सम्मिलित हुए, जिसमें इसे 5 जुलाई के लिए तत्काल सूचीबद्ध करने की अनुमति दे दी है। ऑनरेबल जज मनमोहन सिंह ने 5 जुलाई के लिए अनुमति दे दी, दोनों पक्षों को इन्फॉर्म कर दिया, और इस मामले में सुनवाई होगी। श्री विनोद भरद्वाज जी ने कहा कि केजरीवाल को सीबीआई ने सीआरपीसी की धारा 41 का पालन किए बिना अवैध हिरासत में लिया है। ये विनोद भरद्वाज ने कहा, कोर्ट में कहा, केजरीवाल कथित घोटाले से संबंधित भ्रष्टाचार और धन शोधन के मामले में न्यायिक हिरासत में अभी हैं, और वो एक तो ईडी द्वारा न्यायिक हिरासत में है, दूसरी बात ये सीबीआई द्वारा भी किए गए केस पर इनको न्यायिक हिरासत में कोर्ट ने भेजा है और तिहाड़ जेल में बंद है। तो मेन चीज़ है, इनको जो भेजा है वो कोर्ट ने भेजा है। अवकाशकालीन न्यायाधीश अमिताभ रावत जी ने 26 जून को मुख्यमंत्री को 3 दिन के लिए सीबीआई हिरासत में भेजा था, सीबीआई की रिमांड में भेजा था, और कहा था कि इस स्तर पर गिरफ्तारी को अवैध नहीं कहा जा सकता है। हालांकि न्यायाधीश ने कहा कि गिरफ्तारी अवैध नहीं थी। आपको क्लियर कर दें, 25 जून को तिहाड़ में इनसे रात को पूछताछ हुई थी, 26 जून को इनको कोर्ट में पेश किया गया था। जब कोर्ट में पेश किया गया था उस समय ऑलरेडी कोर्ट ने खुद कहा था, और अवकाशकालीन न्यायाधीश अमिताभ रावत जी ने उस समय परमिशन दी थी कि इनको कोर्ट रूम से और इनको पूछताछ इनसे कर सकते हैं आप।
और इनसे वहाँ पर भी पूछता है, मतलब कोर्ट ने खुद इजाज़त दी थी। इसके बाद आपको बतलाना है कि सीबीआई ने इनको 5 दिन के लिए रिमांड में मांगा था और ऑनरेबल जज जस्टिस अमिताभ रावत ने इनको 3 दिन के पुलिस रिमांड में दिया था, बाकायदे रिमांड दिया। 29 जून को बाकायदे इनको अदालत में सबमिट किया गया। इनको ला करके 3 दिन की पूछताछ के बाद अदालत में केजरीवाल जी को ले करके आई थी सीबीआई, और उन्होंने इस अदालत में पेश किया उनको। और आपको बताना है उस समय भी जो जज हैं उन्होंने माना था अमिताभ जी ने कि ये जो है ये जो इनकी गिरफ्तारी है कतई अवैध नहीं, उन्होंने कहा था अवैध नहीं है, मगर उन्होंने ये भी कहा था कि ज़्यादा उत्साह भी सीबीआई को नहीं दिखाना चाहिए। अब समस्या आ रही है कि ये जो कह रहे हैं कि ये अवैध थी, तो जब कोर्ट के जज कह चुके हैं अवैध नहीं थी, तब ये क्यों कह रहे हैं? इसका मतलब कोर्ट की बात का अपमानना कर रहे हैं। केजरीवाल जी को 26 जून को बाकायदे प्रेजेंट किया गया था और 29 जून को भी जांच के बाद में जब पुलिस ने रिमांड लिया था सीबीआई ने, तब भी इनको बाकायदे पेश किया गया। केजरीवाल जी के आप सीन देख रहे होंगे, इनको बाकायदे सीबीआई सा सम्मान लेकर के आई थी और अदालत की अनुमति के बाद सीबीआई ने 26 जून को अदालत में केजरीवाल से पूछताछ की और फिर उन्हें औपचारिक रूप से गिरफ्तार कर लिया। अदालत की अनुमति के बाद सीबीआई ने 26 जून को अदालत में केजरीवाल से कोर्ट रूम में पूछताछ की थी। इसमें अदालत की अनुमति थी। केजरीवाल को प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने 21 मार्च को गिरफ्तार किया था और मई में उन्हें आम चुनाव के मद्देनज़र सुप्रीम कोर्ट ने 1 जून तक अंतरिम जमानत दी थी। 2 जून को उन्होंने सरेंडर कर दिया था। 1 जून तक की जमानत दी थी। इन्होंने कहा था कि मेरी वजह से पूरे देश के चुनाव प्रभावित हो जाएंगे, चूँकि मैं एक बहुत बड़ी पार्टी का नेता हूँ, मान्यता प्राप्त पार्टी का नेता हूँ, जो इतने दलों इतने प्रदेशों में है, पंजाब में हमारी सरकार है, दिल्ली में सरकार है, हमारे गुजरात में MLA, तमाम जगह MLA। इन्होंने एग्जाम्पल दिया था। केजरीवाल को छोड़ देने से क्या हुआ, केजरीवाल बाहर तो आ गए, परंतु बाहर आके चुनाव प्रचार भी किया, मगर अपनी ताकत नहीं दिखा पाए कहीं पर, और केजरीवाल की पार्टी बिल्कुल डंप हो गई। दिल्ली में भी इन्होंने सब अपने हिसाब से चुनाव लड़ा था, कांग्रेस से पार्टनरशिप की थी और गुजरात में की थी, एक भी सीट नहीं जीती आप। और जीतने के साथ आप समझ लीजिए, जीतना तो दूर रहा कि दिल्ली में कांग्रेस आपका गठबंधन हुआ, ये कोर्ट से आए थे, इन्होंने प्रचार किया, सहानुभूति इनके साथ थी, अपना सहानुभूति जता रहे थे। दिल्ली की भी सभी सीटें इनकी वजह से कांग्रेस हार गई और आपको बता रहे हैं कि गुजरात की भी सीटें हार गई। तो केजरीवाल जी का वो जो उसमें जमा, यही बात सीबीआई ने कही कि मैंने इनको इसलिए अरेस्ट नहीं किया था अभी तक, चूँकि इनके लोकसभा चुनाव थे, इसके पहले 5 राज्यों के चुनाव पे गए थे, कहीं विपसना कहीं कुछ, मतलब सीबीआई ने इनके साथ इनके पद का सम्मान किया और इनको बाद में हिरासत में लिया, वो भी पूछताछ की, चूँकि पूछताछ ठीक से नहीं कर रहे थे और इन्होंने ठीक से बताया नहीं, तमाम इन्होंने बातें छिपाई। तो कुल मिलाकर के सीबीआई की जो गिरफ्तारी अनुचित कही जा सकती है, तो इसको अनुचित इसलिए नहीं कहा जा सकता, उन्होंने पहले भी अरेस्ट नहीं किया, इतने दिन बात किया, बाकायदे कोर्ट के आदेश से इनको तिहाड़ भेजा गया। अब जो दिल्ली हाई कोर्ट में इन्होंने मूव किया है 5 जुलाई को, देखते हैं क्या होता है। परंतु आपको बता रहे हैं जो 5 जुलाई को जो इनके वकील हैं विनोद भरद्वाज, वो अपने आर्गुमेंट पेश करेंगे, साथ में वो ये कहेंगे कि ये अवैध है, गिरफ्तारी अवैध है, सीबीआई ने गलत किया है। तो आपको बता रहे हैं जो एविडेंस है वो साफ कहते हैं कि इनकी गिरफ्तारी पहले ही होनी चाहिए थी, इनसे पूछताछ होने का सीबीआई का अधिकार है, इनको गिरफ्तार करने का सीबीआई का अधिकार था, ये सीबीआई की शराफत थी जो सीबीआई ने इनको दूसरे ऑलरेडी कोर्ट कह चुका। तो तमाम ऐसे सबूत मिल गए हैं, एक तो ख़ास तौर से के कविता जी के असिस्टेंट के सबूत मिले हैं, सुकेश चंद्रशेखरन के हैं, तमाम अन्य सबूत अभी जो मिले हैं उससे आपको बताना है केजरीवाल को राहत मिलने की कोई भी संभावना किसी भी सूरत में नहीं दिखती। वहीं पे एक और जमानत याचिका इन्होंने दायर की है जिसकी तारीख 16-17 को जुलाई को पड़ी है।
तो तमाम ये हर तरह से बचने की कोशिश कर रहे हैं, मगर चूँकि अपराध इतना संगीन है इसलिए इनको बचने की संभावना कम है। अभी केजरीवाल ऐसा लगता है सलाखों में ही काफ़ी दिनों तक रहेंगे, चूँकि सुप्रीम कोर्ट और अन्य कोर्ट ऑलरेडी कह चुका है सिसोदिया के लिए कि अपराध बहुत संगीन है, इनको छोड़ देने से गवाह प्रभावित होंगे। दोस्तों नमस्कार, मैं अजय पत्रकार।